लद्दाख ना पेंगोंग विस्तार में भारत सामे बात भीड़ी रहेलू चीन खावा माटे एक एक दाणा माटे जजूमी रही। आ बात नो अंदाज त्यारथी ज लगाववामां आवी रह्यो हतो ज्यारथी चीन ना राष्ट्रपति सी जिनपिंगे ऑगस्ट महीना में क्लीन योर प्लेट अभियान शुरू कर्युं। भूखमरानो सामनो करी रहेलू चीन देश में उभा थनारा विरोध ने काढवा भारत सामे विवाद उभो करीने देश में उग्र राष्ट्रवाद नो सहारो लेवानो प्रयास करी रह्यो। तो एटलू ज नहीं, साउथ चाइना सीमा एप्रिल थी लईने ऑगस्ट सुधी चीने ओछा में ओछा 5 वार लाइव फायर पण करी चूकी। चीननी कम्युनिस्ट पार्टी नो संपूर्ण प्रयास लोकोनु ध्यान गरीबी अने भूखमराथी हटीने देशभक्ति अने राष्ट्रवाद पर ज केन्द्रित रहे। चीन में आ वर्षे पण 1962 जेवो ज भूखमरो चाली रह्यो छे। आ कई पहली वार नथी के देश में भूखमराथी ध्यान बीजे हटावा माटे चीन भारत साथे सरहदी विवाद वधारी रह्यो होय। 1962 માં પણ જ્યારે ચીનમાં ભયાનક દુષ્કાળ પડ્યો હતો ત્યારે પણ ચીનના સર્વોચ્ચ નેતા ભારત સાથે કોઈ દેખીતા કારણ વગર જ યુદ્ધ છેડ્યું હતું। તે સમયે પણ ભૂખમરાથી હજારો લોકોના મોત થયા હતા, જેને લઈને તત્કાલીન ચીની શાસક વિરુદ્ધ ગ્રેટ લીપ ફોરવર્ડ મૂવમેન્ટ પણ શરૂ થઈ હતી। આવું જ કંઈક વર્તમાન સમયમાં વુલ્ફ વોરિયર કહેવાતા રાજનેતાઓને ચીની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી કરી રહી છે। कोरोना वायरस ने कारण चीन में खाद्यान्न संकट वधारे घेरू बनी रह्यु। एक रिपोर्ट ना जणाव्या प्रमाणे चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंगे खाद्य सुरक्षा ने वधारवा माटे 2013 में शुरू करायेला क्लीन योर प्लेट ने फरी एक वक्त आगळ वधार्यु। तो पश्चिमी मीडिया नुं पण मानवुं छे के चीनी प्रशासन आ योजनानी आडमां देश में उभा थयेला खाद्यान्न संकट ने छुपावी रह्यु। चीन हाल दायकाना सौथी मोटा तीडनो हुमलो सामे झजूमी रह्यु छे, जेनाथी देशना दक्षिण भाग में उभेला पाक ने भारे नुकसान थयुं। तो तेने नियंत्रण में लेवा माटे चीनी सेना पण अभियान चलावी रही छे। चीनना जे विस्तार में सौथी वधारे अन्न पैदा थाय छे त्यां ज पूरनी सौथी वधारे असर थई। चीनना सामान्य प्रशासनना विभागना आंकड़ा प्रमाणे गत वर्षे सरखामणी में आ वर्षे जान्युआरी थी जुलाई वच्चे चीननी अनाज ने आयात 22% वधी। चीन में दर वर्षे घऊनी आयात में 157% नो वधारो थया होवानो पण दावो करवामां आवी रह्यो छे, परंतु जुलाई में मकाईनी आयात में गत वर्षनी सरखामणी में 33% नो वधारो थयो। तेथी सवाल ए उभो थाय छे के जो चीन में पर्याप्त मात्रा में अनाज छे तो पछी आयात केम वधारी रह्यो। चीनी कृषि मंत्रालय ना आंकड़ा प्रमाणे चीन में 2019 में कुल अनाज उत्पादन 664 मिलियन थयुं हतुं, तो तेमा 210 मिलियन टन चोखा अने 134 मिलियन टन घऊनो समावेश पण थाय छे। जो कि चीनना सरकारी मीडियानो दावो छे के देश में चोखानो वपराश 143 मिलियन टन अने घऊनो वपराश 125 मिलियन टन छे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीननी चालबाजी ने फरी एक वार भारतीय सेनाना जवानोए नाकाम करी। 4 दिवसनी अंदर चीने 3 वक्त घुसणखोरीनी कोशिश करी हती, पर भारतना तीखा तेवर जोईने चीनी सैनिकोए ऊभी पूछड़िए भागवू पड्यूं हतुं। तो आज कारणे LAC पर हाल हालत खूब तणावपूर्ण छे। चीननी आ चालबाजी पर अमेरिका पण रोषे भरायेलू छे अने चीन सामे कलक वळण पण अपनाव्युं। अमेरिकाना विदेश मंत्रालये कह्युं के आ मुद्दे चांपती नजर राखी रह्या छीए अने शांतिपूर्ण समाधाननी आशा पण राखी रह्या छीए। જેમ કે અનેક મુદ્દાઓ પર અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માઇક પોમ્પિયોએ કહ્યું હતું કે બેઇજિંગ પોતાના પાડોશીઓ અને બાકી દેશો સાથે સતત ખૂબ જ આક્રમક રીતે વિવાદ ઊભો કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે। તો કે ઉલ્લેખનીય છે કે 29 ઓગસ્ટ સુધી અત્યાર સુધી ચીને 3 વખત LAC પર ઘૂસણખોરીની કોશિશ કરી। પહેલી વાર ચીનના જવાનોએ 29-30 ઓગસ્ટની રાત્રે પેંગોંગ વિસ્તારમાં ઘૂસ્યા હતા, તેનો કરારો જવાબ મળતા બીજી વખત 31 ઓગસ્ટની રાત્રે પણ ચીની સેનાએ હેલ્મેટ ટોપ પર આ નજર રાખી હતી, પણ ત્યાં પણ ભારતીય સેનાએ તેમને ખદેડી મૂક્યા હતા।